इंदौर के चीनू इंदौर थाना क्षेत्र में यहां पर चेन लूट के मामले में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो युवकों को पकड़ा गया है, जिनके पास से लूटी हुई चेन के टुकड़े को बरामद कर लिया गया है। दोनों ही युवकों से अन्य लूटपाट के मामलों में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इंदौर के चीनू इंदौर थाना क्षेत्र में स्थित खातीवाला टैंक में अपने घर के बाहर घूम रहे लक्की वाधवानी नामक एक युवक की स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने यहां पर चेन लूट की घटना को अंजाम दिया है और पूरे मामले में पुलिस ने आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए हैं और अब बदमाश इसमें भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया है। युवकों के नाम अमन और आकाश है, जिनके पास से लूटी हुई चेन का टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अपने महंगे शौक को व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों युवक क्षेत्र में ही घूमकर महिलाओं और युवाओं को सहित अन्य युवतियों को निशाना बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे और इसी फिराक में वह लगातार रहते थे। इसी के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों युवकों से लूटपाट और अन्य घटनाओं को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है, ताकि शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं का खुलासा किया जा सके। जो व्यक्ति आए उनके द्वारा चेन के लूटकर ले गए, खींचकर ले गए। इस आधार पर चेन स्नैचिंग की जो FIR है वो थाना जोगिंदर रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें लगभग सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज में दो व्यक्ति आइडेंटिफाइड हुए, उनमें जो कि तिलक नगर के रहने बताया गया, जिसमें अमन और आकाश के उनको पहचान हुई। उनको हिरासत में जोगिंदर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी के आधार पर उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा घटना घटित करना कबूल कर लिया गया। उनसे सोने की जो लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली गई है, जो घटना में बाइक से की थी, बाइक भी बरामद कर लिया गया है। और हम थाना क्षेत्र में